जय माता दी। माँ के भक्तों, धर्म प्रेमियों, समस्त देशवासियों, समस्त मानव समाज को इस शुभ दिवस की, इस पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं लाख लाख बधाई। माता रानी आप सबके जीवन में उत्तम स्वास्थ्य, मनचाही सफलता और प्रचुर मात्रा में धन और वैभव प्रदान करें, यही हमारी माँ के चरणों में विनती है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर, गज पर सवार होकर आई है। इस बार माँ, वैसे तो माँ का वाहन शेर है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि धरती पर जब नवरात्र के दिनों में माँ का आगमन होता है तो उनकी सवारी बदल जाती है, जो कि आने वाले वक्त का भी संकेत होता है। ज्योतिष लोग माँ के वाहन से आने वाले दिनों के शुभ और अशुभ होने का अनुमान लगाते हैं। दरअसल माँ की सवारी नवरात्रि के दिन के प्रारंभ होने के हिसाब से होती है। सोमवार को माँ की सवारी हाथी, मंगलवार को माँ की सवारी अश्व यानी कि घोड़ा, बुधवार को माँ की सवारी नाव, गुरुवार को माँ की सवारी डोली, शुक्रवार को माँ की सवारी डोली, शनिवार को माँ की सवारी अश्व यानी घोड़ा, रविवार को भी माँ की सवारी हाथी होती है। अब इस बार नवरात्रि सोमवार को प्रारंभ हो रहा है, आप सभी जानते हैं, यानी कि इस बार माँ की सवारी हाथी है और हाथी सुख समृद्धि, धन वैभव का मानक है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये नवरात्र आम जन और देश के लिए भी सुख समृद्धि और वैभव लेकर आने वाला है। तो वहीं दुर्गा विसर्जन 5 अक्टूबर को हो रहा है, उस दिन बुधवार है, यानी कि माँ दुर्गा नाव पर विदा होने वाली है। ये भी शुभ संकेत है, क्योंकि नाव की सवारी शांति, खुशी और कामनाओं की पूर्ति का प्रतीक है। कुल मिलाकर ये नवरात्रि सभी के लिए, समस्त मानवता के लिए खुशियां ही खुशियां लेकर आई हैं। तो एक बार फिर से जय माता दी, और माता के चरणों में फिर से आप सभी के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, समस्त देशवासियों के लिए, समस्त मानवता के लिए माँ के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और लव, पीस एंड हैप्पीनेस आप सबके जीवन में सदा सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय माता दी।